काम तो जोरों शोरों से चल रहा है उसी को रिव्यू करने के लिए कि पूरा रेजिडेंसी रोड का काम भी अब फिनिशिंग लेवल पे है, लाल चौक का काम अभी फिनिशिंग लेवल पे है, कोशिश कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में इसको पूरा कंक्लूड कर लें। तो उसी के सिलसिले में कहीं कहीं पे कोई इशू आता है, कहीं कोई डिसीजन साइट पे लेने की ज़रूरत होती है, तो उसी सिलसिले में रूटीनली आ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी है। सर, जिस तरह थोड़ी सी बारिश पड़ती है, ये ड्रेनेज थोड़ा बीच में उसका निजाम लग रहा है, क्या उसमें कुछ पेशरफ की जा रही है? वही इस पूरे एरिया में, इनफैक्ट रेजिडेंसी रोड लाल चौक एरिया में इसका ड्रेनेज का एक बड़ा हिस्टोरिकली इशू हमेशा रहा है। सो उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने भी कोशिश की है उसको ऑगमेंट करने की, इम्प्रूव करने की, जिसकी वजह से ये भी है कि अक्सर यहाँ बारिशों में पानी जमा नहीं होता है, बट कभी एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तब एक अलग सिचुएशन होता है। तो इसका जो पानी है दो साइड से अब ड्रेन आउट होता है, तीन साइड से इनफैक्ट। एक तो यहाँ लेफ्ट साइड में खिदमत कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में डिवाटरिंग स्टेशन है, आधा उसके साथ डाइवर्ट किया गया है। एक और डिवाटरिंग स्टेशन है कोर्ट रोड कॉम्प्लेक्स के पास, कोर्ट रोड के पास, जिसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो आधा पानी उधर की तरफ भी चला जाता है, तो डाइवर्ट करके भी इसमें किया है। और बाकी जो मेन लाल चौक है उसमें भी क्रॉस ड्रेनेज भी और भी डाला गया है काफ़ी, जितना जिस हद तक पॉसिबल हो सके उस हद तक ड्रेनेज का पानी सॉर्ट आउट किया जाए। और ड्रेनेज का भी एक अपना एक डिज़ाइन होता है, फॉर एग्जांपल एक हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आप कोई मान लीजिए 33 मिलीमीटर पर आर के रेन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं या 50 मिलीमीटर, डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह है। फिर उस डिज़ाइन कैपेसिटी से अगर ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा सडन होती है तो इट टेक्स लिटिल टाइम टू ड्रेन आउट, बट उसके बरक्स भी जब भी अगर ड्रेन्स प्रॉपरली साफ़ रहें, क्लीन रहें, तो इवन इन एक्सट्रीम सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकता है, थोड़ी देर पानी जमा रह जाए बट इट ड्रेन्स आउट इमीडिएटली। सर, कुछ डेडलाइन आप दे देना चाहेंगे घंटा घर में जो टाइल्स वगैरह है वो काम कब मुकम्मल हो जाएगा? विद इन नेक्स्ट 10 डेज इट शुड बी ऑल डन। थैंक यू सो मच।